अच्छा दीदी अपन परिचय दे देती तो ठीक रहे। अच्छा हम परिचय अपन दे छी। हमर नाम सीता देवी, घर रामपुर जयपाल, गुरुदेव जीविका स्वयं सहायता समूह के कोषा अध्यक्ष ब्लॉक बोचा। अच्छा दीदी नर्सरी बेड के लिए कौन कौन सामान लगे छी से हम बतलबै छी। ठीक है हमरा बता दीदी। देखो दीदी नर्सरी बेड लगाबे के लिए इतना सामान के जरूरत पड़े छे। अच्छा। देखो दीदी ये उपचारिक बीज है। देखो दीदी 6 किलो केचुआ खाद है। हाँ। एकरो जरूरी पड़े छे। देखो दीदी ये एंटी टेप है। एकरो जरूरी पड़े छे। बहुत जरूरी पड़े छे। देखो दीदी ये कोदाल है। हाँ। एकरो जरूरत पड़े छे। देखो दीदी ये खुरपी है। हाँ। मिट्टी प्लेन करे के लेल एकरो जरूरी पड़े छे। खुरपियो के जरूरी पड़े छे। हां देखो दीदी ये सोटाल है। हाँ। ढेला फोड़े के काम में आवे छे। माने बड़ा बड़ा ढेला रहले ओकरा ही फोड़े पचावल जाय छे इसे फोड़े ढाके के लेल। हाँ। केला के पत्ता के जरूरी पड़े छे। माने बेड के ढकबाय केला के पत्ता। हां देखो दीदी हम प्रक्रिया शुरू कर रहल हती। आ देखो। ठीक है दीदी करू। देखो दीदी बेड के हम इंची टेप से नाप के बता रहल हती। ठीक है दीदी बता दू नाप के। ओकरा बाद हम ताम के बता देब। अच्छा दीदी। देखो दीदी। हाँ। नर्सरी बेड के चौड़ाई 4 फीट। अच्छा दीदी नर्सरी बेड के चौड़ाई 4 फीट होय के चाहिए। हाँ 4 फीट के होय छे। लंबाई 10 फीट होय के चाहिए। देखो दीदी लंबाई 10 फीट हो रहा है ना। हाँ दीदी 10 फीट हो रहा है। देखो दीदी ये केचुआ खाद हम छीट रहा हती। अबे पर दीदी केचुआ खाद छीट। हाँ एक नर्सरी बेड पर 6 किलो केचुआ खाद छीटे के पड़े छे। तो नर्सरी बेड तैयारी करे के लेल ऊपर 6 किलो केचुआ खाद लागे। हाँ ठीक है दीदी छीटू। देखो दीदी हम एक ताम रहल हती। हाँ, नर्सरी बेड के ऊंचा 6 इंच होय के चाहिए। माने बेड के ऊंचाई 6 इंच। 6 इंच होय के चाहिए। अब एकरा ताम के मिला देबै। अब हां ठीक है। देखो दीदी अब नर्सरी बेड के अब खरुच चले छ छोटा से मिलवई छी। अच्छा माने खरुच हटा के अब एकरा के बराबर कर देबै छोटवा से। हां ठीक। देखो दीदी चारों से नाला बना ली है। आज बेड के 6 इंची ऊंचाई हो कि न हो। देखो दीदी। हाँ। बेड के ऊंचाई 6 इंची है कि न से हम बता रहल हती। अच्छा ना दीदी देख। देखो दीदी 6 इंच ऊंचाई है कि न। हाँ दीदी 6 इंच ऊंचाई हो गेलक। देखो दीदी बेड बिल्कुल तैयार है। बेड तैयार हो गए दीदी। हाँ। देखो दीदी हम लकड़ी के सहारा से लाइन खींच रहा हती। देखो दीदी यही चिन्ह में। हाँ। बीज के हम गिरावे। माने ये लाइन पारे बड़ी यही में बीज गिरावे दीदी। हाँ यही में गिरावे। अच्छा देखो दीदी। हाँ। अब चिन्हा जब कटली है। हाँ। वही में बिचरा गिरा रहल हती। अच्छा वो में लाइन में बिचरा गिरा दे। हाँ। ठीक है दीदी गिरा देख हम गिरा दे गौर से देखे रह। देखो दीदी। हाँ। बिचरा से गिरा ले ली एक खुरपी के सहारा से मिलवाई। द
दीदी अब बिचरा से गिरा ले हां दीदी बिचरा त गिर गेले अब एकरा केरा के पत्ता से ढक दे छियै से एकरा धूप न लगतै माने अब एकरा के केरो के पत्ता से ढक दे हां देखो दीदी एकरा हटा के झरना से पानी भी देवे के पड़ते दो तीन दिन के बाद माने एकरा दो से तीन दिन के बाद हटा दे भाई हाँ। फिर ऊपर से झरना से पानी देवे दीदी हाँ। 12 से 14 दिन में बिचरा तैयार हो जाता है रोपे वाला 12 से 14 दिन में बिचरा रोपे लायक हो जाता हाँ। अच्छा दीदी मरचाई के बिया नर्सरी बेड गिरा के लगाला से कौन कौन लाभ हो खले ओकरा बारे में हमरा बता दे देखो दीदी नर्सरी बेड लगाएला से हाँ। अंकुरण अच्छा होय छै आ पौधा भी अच्छा होय छै देखो दीदी समान विधि से लगाएला से हाँ। एकर मोटा बीज होय छै माने समान विधि से माने एकर बिचरा मोटा मोटा होखा हां अच्छा दीदी एमे कोनो सावधानियो बरते के होखलाई हां दीदी नर्सरी बेड के 3 दिन से ज्यादा न ढके और नमी बनाए रखे नमी भी रहे के चाहिए हाँ। अच्छा दीदी किसान दीदी भैया के लिए कोई संदेश दे भाई हाँ दीदी सभी किसान दीदी भैया से अनुरोध है मिर्चा का बीज नर्सरी बेड लगाकर बीज गिरावे अच्छा दीदी नर्सरी बेड लगावे के लिए हमरा के तो बहुत अपने बड़ा बनिया से समझा दिली और बहुत ज्यादा टाइम दिली एकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद दीदी बहुत बहुत धन्यवाद